नमस्ते, मैं हूं शिवेश्वर। इस वीडियो में आप सीखेंगे एडवांस सूत्र नीति का अभ्यास कैसे करें। सूत्र नीति पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिस पे मैंने डिटेल बता रखा है विधि क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, बेनिफिट क्या है, एवरीथिंग। और रबड़ नीति पे भी और जल नीति पे भी वीडियो डिटेल अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस एडवांस विधि के विषय में बता रहा हूँ कि एडवांस आपको सूत्र नीति कैसे करना है। एडवांस सूत्र नीति करने के लिए दो सूत्र लेंगे और सूत्र को आप करने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देंगे नॉर्मल वाटर पे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए आप इजीली इसका अभ्यास कर सकें। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट सूत्र को कर्व बना लेंगे। कर्व बनाने के बाद जिस साइड आपने कर्व बनाया है उस साइड आपको अंदर की ओर डालने का प्रयास करना है। माउथ को लिटिल बिट ओपन रखेंगे और धीरे धीरे सूत्र को अंदर डालेंगे नासिका छिद्र का अनुमान लगाते हुए। जिस तरफ से मोम लगा हुआ है उस तरफ से आप दोनों हाथों के फिंगर से पकड़ के धीरे धीरे अंदर डालें। जब लगे कि मुंह पे आ गया है, गले पे आपको फील होने लगे, तो दो फिंगर्स को अंदर डाल के आप बाहर निकाल लेंगे। अब सेम विधि से आप दूसरे सूत्र को जिधर से मोम लगा हुआ उसे थोड़ा टाइट करके लिटिल बिट आप कर्व बनाएंगे और नाक के अंदर डालेंगे। यदि नाक के अंदर स्मूथली ना जाए तो आप थोड़ा सा उसे गोल गोल घुमाते हुए नासिका छिद्र का अनुमान लगाते हुए अंदर डालें। गले पे जब आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा खांसी सा फील होगा, तो आप इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को अंदर डालें और उसके फ्रंट पार्ट को पकड़ के बाहर निकाल लें। इसके बाद आपको जो माउथ से सूत्र बाहर आ रहा होगा उस पर आप देखेंगे दोनों सूत्र के फ्रंट पोर्शन पे मोम लगा होगा, आप उसे मैच कर दें। मैच करने के बाद दोनों के फ्रंट पोर्शन को थोड़ा सा ज्वाइंट करके ट्विस्ट करने का प्रयास करें। ट्विस्ट करते समय आप यह ध्यान रखें कि यह ऐसा ट्विस्ट हो कि दोनों से डिटैच ना हो। चूंकि सूत्र के फ्रंट पोर्शन पे मोम लगा होता है तो जब हम उसे ट्विस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ट्विस्ट हो जाता है जैसे कि यह एक ही सूत्र हो। आप दोनों के फ्रंट पोर्शन को अच्छे से ट्विस्ट करें और उसे सूत्र में बिल्कुल चिपकाने का प्रयास करें ताकि वह बिल्कुल डिटैच ना हो। अब आपको करना क्या है कि दोनों सूत्र में से किसी एक सूत्र को जो नासिका से बाहर आ रहा होगा उसे पकड़ लें, या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल वाले को या तो राइट नोस्ट्रिल वाले को, और धीरे धीरे आप नाक से बाहर की ओर खींचने का प्रयास करें। उस समय आप माउथ को ओपन कर लें तो आप देखेंगे जिस सूत्र को आपने ज्वाइंट किया है वो मुंह के अंदर चला जाएगा और नासिका से नाक से बाहर आ जाएगा। अब आप क्या करें कि आप ज्वाइंट को ओपन कर दें, ये बहुत इजीली ओपन हो जाता है, मोम लगा होता है तो आप इसे इजीली ओपन भी कर सकते हैं। अब एक सूत्र को आप रख देंगे और दूसरे सूत्र को आप देखेंगे, एक ही सूत्र जो होगा आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा होगा और राइट से बाहर आ रहा होगा। अब मोम वाले पोर्शन को आप थोड़ा बाहर निकाल लें और जिस साइड से मोम ना लगा हो उस तरफ से आप मूव करने का प्रयास करें, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। आप बिगनर हैं तो 2 से 3 बार ही करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 14 से 15 बार तक आप मूव कर सकते हैं। 14 से 15 बार करना सफिशियंट होता है। फिर किसी एक पोर्शन से जैसे मोम लगा हुआ उसे खींच के बाहर निकाल लें। सूत्र नीति का अभ्यास करने के बाद आप जल नीति का अभ्यास जरूर कर लें, क्योंकि आप देखेंगे कि सूत्र नीति का अभ्यास करने के बाद होता क्या है कि नासिका मिरब होता है, जिसे म्यूकस वगैरह जो गंदगियां अंदर जमी हुई है वो बाहर निकलना चाहता है। तो जब आप जल नीति का अभ्यास कर लेते हैं तो जल नीति के दौरान वाटर से वो गंदगियां बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल जाती है। इसलिए सूत्र नीति के बाद जल नीति का अभ्यास करना जरूरी होता है। यह अभ्यास उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो योग के एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, और उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है जो नेजल पॉलिश जैसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, खास करके जिनकी नाक के अंदर मांस बढ़ गई है, हड्डी बढ़ गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको हमेशा नोज वगैरह जाम रहता है, जिनको कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर है, अस्थमा है, राइनिटिस है, ब्रोंकाइटिस है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है।
लेकिन आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप बिगनर हैं तो पहले जल नेति का अभ्यास करें, उस पर जब आप परफेक्ट हो जाएं तो रबड़ नेति का अभ्यास करें, उस पर परफेक्ट हो जाएं तो एडवांस रबड़ नेति का अभ्यास करें, उस पर जब परफेक्शन आ जाए देन आप सूत्र नेति का अभ्यास करें, जब उस पर आप परफेक्ट हो जाएं देन फिर आप एडवांस सूत्र नेति का अभ्यास करें। ये सारे अभ्यास मेरे चैनल्स पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यदि सूत्र नेति वगैरह का अभ्यास करते हैं या रबड़ नेति का भी एडवांस प्रैक्टिस आप करते हैं तो डायरेक्ट आप सूत्र नेति का एडवांस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस बिगनर हैं तो इस सीक्वेंस में अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली कर पाएंगे, जैसे अभी मैं कर पाया, किसी प्रकार की आपको डिफिकल्टी फील नहीं होगी। और यदि आप इस अभ्यास को खुद से वीडियो देख के नहीं सीख पा रहे हैं तो किसी अच्छे योग शिक्षक से मिलें, उनसे संपर्क करें और सीखने का प्रयास करें। अदरवाइज आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे द्वारा भी सीख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्रियजनों तक इसे पहुंचाएं, ताकि योग का जो ज्ञान है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोग इस ज्ञान से डिजीज फ्री हो सकें, हेल्दी हो सकें। और यदि आप कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।